जगदेव बिराजदार। सोलापुर मशहूर शेंगा चटनी। दही के साथ शेंगा चटनी खाऊंगा, कड़क रोटी के साथ। कड़क रोटी के साथ फिर उसके बाद बिरयानी खाने वाले नहीं खाने करूंगा। नहीं, मैं बिरयानी खाऊंगा। इधर 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 मेरे को खाऊंगा। हाँ। और असलम के हाथ का थोड़ा सा गन्ना भी खाऊंगा मैं। अच्छा हाँ, खाओ वालो गन्ना खाओ। तो आप नारियल पानी कितने पिए? नारियल कितने पिए? मैंने 2 नारियल पानी पिए। नहीं झूठ मत बोलो, सच्ची बताओ। मैं 10। 3 पिए? 3। मैं 10। 3 नारियल पिए और इमरान भैया 10 नारियल पिए, तो मैं 1 भी नहीं पिया। क्या बात है, उनको फोन लगा के बोलो अंदर गाइस है भाई। वो नहीं है जान, थोड़ा बाद में देखने का पैसा नहीं। ओके, खोपरा भी खाना, खोपरा मत खाओ। अमेजिंग टेस्ट बेटो, अस्ता सोला पूरी इसको बिठाता है। तुम बैठो भाई। वाइफ का कैसा बनाए? इधर इमरान भाई माशाल्लाह बहुत खूब ऊपर। सर हम चटनी और दही और दही चटनी से सोलापुर स्पेशल। सोलापुर स्पेशल ग्रीन चिकन, रेड चिकन, फिर चिकन चिल्ली। चिकन चिल्ली बनाए सर। जून में शादी है, उसकी गाड़ी है और जून में मेरी शादी है। और छुट्टी भाई भी आया भाई, मिक्स नहीं थोड़ा बोले कैमरा। अरे कैसा लग रहा है अरे भैया बिरयानी? एक लब्बर, एक नंबर। मनु भैया बाइट दो, दो लफ्ज बोलो। दो लफ्ज, दो लफ्ज। ओके थैंक यू। देख रहे अंदर लोग हंस रहे हो। रोटी रखो। वो अभी इधर आए थे हम खेत में, मतलब फार्म हाउस भी है, खेत भी है और वहाँ पर फिश टैंक है। अब वहाँ पर जो फिश जो है कट फिश, कैट फिश है। तो यहाँ पर आए हैं तो अभी देखेंगे टोटल यहाँ पर कितने हैं फिश, कैट फिश। टोटल यहाँ पे अभी 1.5 लाख बच्चे हैं। 1.5 लाख है तो मतलब ये कब बाहर आते हैं, मतलब ये कब छोटे से बड़े कब होते हैं, इनका कुछ टाइम? 6 महीने का पीरियड रहता है इनके लोग का। ओके, 6 महीने में ये पूरा बड़ा हो जाती है। ओके, तो इनको 6 महीने यहाँ पर तकरीबन लगते हैं बड़े होने में, फिर इसके बाद इसको कहाँ पर ये करते हैं एक्सपोर्ट? इसको बम्बई, पुना, ओके, बिहार, इस साइड में इनको बेचा जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ से मतलब 6 महीने इनको रखा जाता है, यहाँ से बड़े होते हैं, फिर इसके बाद अलग अलग सिटियों में इनको मतलब बेचा जाता है यहाँ पर। तो 6 मंथ इसको लगते हैं टोटल? बिल्कुल। ओके ठीक है, तो वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कैसा है क्या नहीं है। तो चलो आ जाओ। इनका जो प्लांट है यहाँ पे 1.5 लाख मच्छी है अभी यहाँ प्लांट में। ये देखो सब सारी मच्छी यहाँ पर, पूरी जिंदा मच्छी है। तो हम ये प्लांट के यहाँ पर आए थे पार्टी करने के लिए, तो यहाँ पर पार्टी बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर आके खाना वाना एकदम बेस्ट हुआ, बिरयानी वगैरह बनाए थे माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाए। तो यहाँ पर इतना बड़ा मच्छी का प्लांट भी देखने मिला हम लोगों को। ये देखो यहाँ पर 1.5 लाख मच्छी है इस प्लांट में, यकीन नहीं हो रहा हम लोग को देख के, 1.5 लाख मच्छी यहाँ पर प्लांट में भी है अवेलेबल। ये सब पूरा माल एक्सपोर्ट होगा, बम्बई, दिल्ली, आगरा, इधर सब जगह जाता है यहाँ से माल। तो गाइज ये जो है पाइपलाइन, ये पाइपलाइन जो है इस मतलब प्लांट में जोड़ता है, ये फिल्टर मशीन है। यहाँ पे जितना भी गंदा पानी होता है इसको बाहर फेंकता है, फिर और फिल्टर करके यहाँ पे पानी डाला जाता है, क्योंकि जो अपना फिश है इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम होने से, गंदे पानी से फिश की डेथ हो जाती है, इसके लिए यहाँ पर फिल्टर मशीन लगाया हुआ है। तो ये पूरा पाइपलाइन है, यहाँ पे बहुत बड़ा नदी है यहाँ से नज़दीक एकदम, सिकंदर टाकड़ी बोल के, तो वहाँ से यहाँ का पानी पूरा लाने का ये काम करती है पाइप। सो गाइस जो पहले जो पाइपलाइन दिखाया था, तो वो पाइपलाइन जो हो वो पानी लाने का काम नहीं करती है, वो बस फिल्टर मशीन है, जो गंदा पानी है वो सब बाहर फेंकती है
और जो पानी है अंदर जो साफ पानी जो होता है इसके अंदर जो लाने का काम करती है ये जो पाइपलाइन है, ये वाला पाइपलाइन है जो बहुत दूर से आया हुआ है। ये इतना दूर कम से कम 20-30 किलोमीटर दूर से लगा हुआ पाइप है ये सिकंदर टाकड़ी, वहाँ से लेके यहाँ तक पाइपलाइन किया हुआ है। और जो पहले वाला जो पाइपलाइन था वो बस फिल्टर मशीन है, वो जो गंदा पानी है वो बाहर निकलती है और साफ पानी जो है इसमें से आता है बाहर। तो ओके, जैसे कि असलम ने बताया है टोटल यहाँ पर दो प्लांट है, एक इस साइड है एक इस साइड है। यहाँ पर तो यहाँ पर अभी जो कैट फिश है अभी छोटे हैं फिलहाल को इस साइड, और इस साइड में भी है यह, मतलब यहाँ पर 1.5 लाख है, यहाँ पर 1.5 लाख है, टोटल 3 लाख यहाँ पर है। अब यहाँ पर बड़े हैं जैसे आपने देखा होगा, बहुत बड़े पानी के बाहर भी यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर अभी छोटे हैं इस साइड। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर से। तो जैसे यहाँ से बड़े हो जाएंगे उसको फिर यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, फिर ये जैसे ही खाली हो जाएगा प्लांट यहाँ पर फिर दूसरे मच्छी लाकर छोड़ा जाता है यहाँ पर। फिर ये जैसे बड़े हो जाता है ना, बड़े होने के बाद इसको फिर किया जाता है यहाँ से फिर। तो इलियास भाई हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी वहाँ पर नारियल का एक झाड़ है, बहुत ही बड़ा दरख्त है, वहाँ पर बहुत सारे नारियल लगे हुए। तो खाना वाना तो हो गया है आपको, हमने फिश टैंक भी दिखाया जहाँ पर फिश है किटफैश जो भी है। तो अभी यहाँ पर जाकर देखते हैं नारियल वगैरह कुछ है, वहाँ पर गन्ना है अंगूर है, तो वहाँ पर कुछ खाएंगे और दिखाएंगे कैसा है क्या नहीं। तो आप आ जाओ देखते हैं कैसा है वहाँ पे। कम से कम 50 किलो की जो ये लकड़ी है तो इसको मैं उठा रहा हूँ, तो देखते हैं। अभी 2 नारियल तो मैंने गिराया है, अभी तीसरा गिराऊंगा। तीसरा भी गिर चुका है इंशाल्लाह, चौथा भी गिरेगा। मैं पानी पी आता हूँ। हमारा बेटा टेंशन में आया था, करता था नहीं खाए तो ले जाएंगे खुपरा, मगर बराबर चटनी कर खाएंगे। पर चाकू का है? चाकू चाकू नहीं आलो, ये कहता लो उड़ा उड़ा उड़ा। अभी क्या आ रहा है इसमें? एक सोने की अंगूठी भी लग रही। हिला हिला पानी निकल, जबरदस्त है पानी इसमें। इरफान भाई हाथ से फोड़ो आप। अरे तो गाइज आपने कितने नारियल पिए? गिनती भूल गए आप? हम 4-5 पिए शायद। आप? 3। मैं पिलाया लोगों को, पिया नहीं मैं। कितने पिलाए लोगों को? पिलाया कितने पिलाए? अभी 17-18 नारियल मैं खुद कट किया। हाँ, और कट करते सो वीडियो कैसा लगा वो बताओ कमेंट में। हाँ, जरूर। और शुक्रिया देखने के। ये यहाँ के खेत के बकरियाँ है जो दिन भर चर कर जो है ना शाम में 5 बजे यहाँ पर आती है, और पूरा अपना रेस्ट जो पूरा है दिन भर का जो चारा है वो खत्म करने के बाद अब रेस्ट टाइम उनका है, अभी जो आराम करेंगे वो उधर। और ये पूरे अभी मतलब एक ही फैमिली के है ये। स्टार्ट में इनके पास 7 या 8 बकरियाँ थी जो अपने खुद एक दूसरे से जो है ना बच्चे जन के वगैरह जो है ना एक दूसरे से डेवलप होते गई बढ़ते गई। बच्चों के साइड देखिए, चलो स्पेशल दिख रहा था बकरा। तो गाइस अभी ये देखो, ये कश्मीरी बकरी है, तो ये यहाँ पर भी अवेलेबल है, यहाँ के जो ओनर है यहाँ पर भी ला के रखे हुए कश्मीरी बकरी। तो ये बहुत ही रेयर बकरी है, ये दुनिया में एक ही जगह पाई जाती है, और वो जगह है यहाँ पर, और वो हम आपको जगह का नाम नहीं बताएंगे। फोटो में जा रहे डार्कनेस जाता। रुको मत, हो जान दे रख।